जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत हमारे खास कार्यक्रम में। आइए जानते हैं एस्ट्रो रामावतार मिश्रा सिंह राशि सितंबर माह का राशिफल। सिंह राशि वाले जातक के लिए क्या विशेष इस माह फेस्टिवल है, आइए विस्तार से जानते हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपके जीवन में पता नहीं कौन सी जानकारी आपको प्राप्त हो जाए, आप जो है बहुत ज़्यादा आपको उसका लाभ मिले और आपके जीवन में कुंडली के हिसाब से, राशि के हिसाब से आप राजयोग की प्राप्ति के भागीदार बन सकें, ऐसा योजना रहती है ज्योतिष के अनुसार हम आपको बताते हैं। इसमें विशेष जो फेस्टिवल हो क्या पढ़ रहे हैं पहले वो जानते हैं। 7 सितंबर को जो है आपका जन्माष्टमी, भगवान कृष्ण की जन्म होगा, उनकी पूजा करते हैं, जन्म मनाते हैं परिवार के साथ। 15 तारीख को जो है अमावस्या है, पितरों की पूजा करते हैं। 18 तारीख को हर तालिका तीज है, भगवान शिव की पूजा करते हैं। 29 तारीख को जो है पूर्णमासी है, भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं। सिंह राशि के स्वामी गुरु होते हैं, सिंह राशि के स्वामी सूर होते हैं, जो स्वामी है राशि के सिंह राशि के सूर होते हैं। ऐसे व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा तेज होता है, बहुत ज़्यादा दिमाग होता है, बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। ऐसे में क्या है कि आपके दोस्ती बहुत कम लोग से होती है, जल्दी आपको कोई समझ नहीं पाता है, जल्दी आप किसी से बनती नहीं है, आप बहुत ज़्यादा तेज और दिमाग आपका चलता है। तो इस माह आपके हेल्थ की बात करते हैं तो आपका हेल्थ बहुत अच्छा रहने वाला है, हेल्थ में कोई दिक्कत आपके नहीं है। आप अपने वाणी को थोड़ा सा प्यार से बोलेंगे, मिठास रखेंगे, आपके काम बनने की संभावना बनेगी। दोस्तों से, कुटुंबों से आपके लिए थोड़ा सा सतर्क रहना है। दोस्तों से कुटुंब का आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, दोस्त आपको थोड़ा कंफ्यूज करेंगे, आपके पीछे कोई रणनीति बनाएंगे जिससे आपको नुकसान होने की संभावना बनेगी। आप किसी को चाहते हैं, प्यार से मेहनत करते हैं कोई काम के लिए पाने के लिए, वो काम आपको नहीं मिल पाता है। आप यश करते हैं, आपको अजस मिलता है। तो आप जितना ही भला करें, जितना आपको आपके अंडर में हो या जितना आप उससे संतुष्ट हो, ज़्यादा भलाई आप करते हैं तो आपके लिए वो दुखदायी होती है जिससे आप असंतुष्ट रहते हैं, आपने आजमाया होगा सिंह राशि वाले। दूसरा, आपके जीवन में जो विद्यार्थी हैं, विद्या पाने के लिए गाड़ी घोड़ा मकान खरीदने के लिए, उनके लिए भी इस माह में थोड़ा सा ठीक नहीं है, आपको ब्रेक लगाना है, उसके बाद भूमि लेन देन का काम करना है। आप यदि कोई योजना के साथ पढ़ाई कर रहे हैं उसमें आपको अच्छे संकेत मिलेंगे। दूसरा, आपके लिए व्यापार में कोई काम कर रहे हैं कुंभ, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। एक साथ साथ दो चीज़ ना करें, एक एक करके यदि कोई काम करते हैं तो आपको सफलता मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। भाग्य का आपका पूरा सपोर्ट मिलेगा, लेकिन ऐसे में क्या है कि तीर्थ यात्रा धर्म कर्म में आप जाने के लिए अग्रसर होंगे और आप जाएंगे और किसी की मदद करेंगे जिससे आपको अच्छा लाभ मिलने वाला है। दूसरा, ऐसे में आपका शुक्र वारमा हो जाने से किसी स्त्री को या किसी से आपका प्रेम बढ़ता है, अचानक से बढ़ता है, बहुत ज़्यादा रूप ले लेता है और आपके लिए भुला नहीं पाते हैं, ऐसे भी इस महीने में योग आपको दिखाई दे रहे हैं। यदि आपके व्यापार में कोई आपका व्यापार नहीं चल रहा, सफलता नहीं मिल रही है, इसके लिए आपको फ्राइडे के दिन चावल की खीर बनाकर लक्ष्मी को भोग लगाना है और कन्याओं को जमाना है। ऐसे में आपका लक्ष्मी का योग बनेगा, धन का योग आपका बनेगा। कोई व्यक्ति अपने जीवन में बहुत बीमार है, दवा काम नहीं कर रही है, उसके लिए जो है एक कुसा में जल डालना है और लोटे में जल भर के कुसा डालना है, भर के और भगवान शिव को चढ़ाना है, ऐसे में आपका रोग ठीक होगा। यदि आप सफल व्यापार पाना है तो आप इस तरह करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। दूसरा, आपके लिए आपके साथ साथ आप कोई दो काम करना चाहते हैं, कोई नौकरी आप कर रहे हैं व्यापार में, तो आप व्यापार में ऐसा हाथ ना डालें, जो आपको जानकारी है उतना आप करेंगे तो आपको पूर्ण सफलता मिलेगी, आपको हानि नहीं होगी। पैसा भी किसी को आप ना दें, पैसा आपका फंस जाएगा, आपकी लड़ाई होगी। दूसरा, आप जितना पॉजिटिव होकर काम करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, अगला व्यक्ति आपसे ट्रस्ट नहीं कर पाता है, शक करता है, उससे बचना है। दूसरा, आपके लिए सूर का रतन होता है माणिक, उसके पहनने से आपकी विटामिन डी हड्डियों में दिक्कत है वो ख़त्म हो जाएगी, आपको उसका लाभ मिलेगा। दूसरा, हमारे संस्थान के माध्यम से कोई यदि विशेष जानकारी आप पाना चाहते हैं तो वीडियो के माध्यम से या चाहे फोन के माध्यम से हम आपको बताएंगे, आपको प्राप्त होगा, क्योंकि समय एक ऐसी गणना होती है कि उसमें सारी चीज़ों को नहीं बता पाते हैं या कुछ चीज़ें रह जाती हैं, आप इसको जानते हैं। जय श्री राम, जय माता दी।